महासमुंद में समितियों और धान संग्रहण केंद्रों से धान उठाव को लेकर हुई देरी का खामियाजा, जहां एक ओर सरकार को करोड़ों का नुकसान उठाकर झेलना पड़ रहा है, वहीं अब दूसरी ओर उठाव में देरी करने वाले मिलर्स भी इसका खामियाजा झेलेंगे। शासन ने जिले के 180 में से 58 राइस मिलों पर कस्टम मिलिंग में देरी करने और धान का उठाव सही समय में नहीं करने को लेकर 18,50,000 का जुर्माना लगाया है। इसे लेकर मिलर्स एसोसिएशन ने हड़कंप मच गया है और बैठकों का दौर जारी है। एसोसिएशन की माने तो शासन उन्हें धान उठाव कराने के लिए सुविधाओं के अभाव में दबाव बनाती है और एक्स्ट्रा डीओ काटने के बाद में जब उठाव नहीं हो पाता है तो जुर्माना लगा देती है। नहीं रहता, पानी गिर जाता है, इस कारण से धान उठाव नहीं हो पाता है, फिर पेनाल्टी लगा देते हैं लोग। राइस मिल एसोसिएशन लगातार शासन के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहा है, अपना पक्ष रख रहा है, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक फैसला नहीं आया है हमारे पक्ष में। तो इस बार हम लोग अगस्त लास्ट तक धान उठाव कराए हैं, तो इस बार मिलिंग क्षमता से ज्यादा धान खरीदी हुआ है। जिले में पंजीकृत 180 राइस मिलर हैं, जिसमें से 58 राइस मिलर का पेनाल्टी लगाया गया है।